ओके सो ही वर्ड्स कुछ सर यार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल एट्री गन पे एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। यस गाइस, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ज़्यादा ओपी मोड लेके आया हूँ। अगर आपने मेरी ये वाली सीरीज़ देखी होगी जो है लॉस्ट वर्ल्ड वाली, जिसके अंदर मैं म्यूटेंट क्रिएचर्स से लड़ता हूँ, तो मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे लाने के लिए वैसे, पर चलो मैंने अब ला ही दिया फाइनली। काफ़ी टाइम लगा के लाया पर ला दिया। ओके, इसका जो मैं ऐड ऑन देने वाला हूँ, ये ऐड ऑन है रिसोर्स पैक एंड बिहेवियर पैक है, एंड इसके अंदर आपको बहुत सारे क्रिएचर्स मिलते हैं जो म्यूटेंट हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ओपी मैप है। अगर आप इसे नॉर्मल सर्वाइवल में खेलते हो तो आपको स्पॉन एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको स्पॉन करने के लिए, क्योंकि रैंडमली कहीं पर भी स्पॉन हो जाते हैं लाइक नॉर्मल मॉब्स। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा ओपी मोड है यार, प्लीज़ ज़रूर से डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। ओके, एंड देन प्लीज़ यार एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना, हमारे 1K हो गए हैं, पर 1K का सरप्राइज़ अभी आने वाला है जो 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा, जब मेरा कम्युनिटी टैब खुल जाएगा, जो 4-5 दिन के लिए शायद खोल देते हैं वो, मतलब जैसे 1K हो जाएगा तो 4-5 दिन में खुल जाएगा। वैसे मैंने वो फीडबैक दे दिया है उनको खोलने के लिए, अगर जल्दी वो खुल जाएगा तो मेरा Q&A भी आ जाएगा, जैसे कम्युनिटी टैब खुलेगा Q&A भी आएगा एंड मेरा स्पेशल सरप्राइज़ भी आएगा, जिस पे मैं 2 हफ्ते से काम कर रहा हूँ, एंड आई होप वो आपको पसंद भी आए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओपी चीज़ है। एंड प्लीज़ यार एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, अगर सब्सक्राइब कर दिया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, जो आई होप आप ज़रूर से करेंगे। एंड और भी जो जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सभी के बारे में बात करूँगा, पर अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स प्रीटी मच बिगिन टू आवर वीडियो गाइस। ओके गाइस, तो रिसोर्स पैक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लो। ओके, एंड देन आपको जब भी डाउनलोड कर लोगे तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे ही आपको ये डाउनलोड हो जाए तो डाउनलोड के सेक्शन में जाके बस इस पर एक बार क्लिक करें एंड अपना माइनक्राफ्ट का एप्लीकेशन चूज़ कर लें, जिससे आपको इसको ओपन करना है एंड आपकी फाइल सीधा आके इंपोर्ट हो जाएगी एंड सीधा ही ओपन हो जाएगी, ठीक है। एंड देन आपको प्ले के बटन पर प्ले करना है एंड देन आपको एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है और फिर इसके अंदर रिसोर्स पैक डालना। मैं सिखाता हूँ कैसे डालते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मुझे नहीं पता, बस लोगों को प्रॉब्लम आती है कभी कभी इसमें। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम नीचे यहाँ पे आता है रिसोर्स पैक एंड बिहेवियर पैक, तो रिसोर्स पैक पे क्लिक करो एंड यहाँ पे माय पैक्स पे क्लिक करो एंड वेट फॉर मिनट एंड माय पैक्स पे यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू म्यूटेंट क्रिएचर वाला आ चुका है, तो यहाँ पर ऐड कर दो। एक्टिव हो गया, ये रोको अभी थोड़ा सा। ओके, ये वाला एक्टिव हो गया। अब आपको जाना बिहेवियर पैक में एंड बिहेवियर पैक में इसका ऑटोमेटिकली जो है ये लग जाएगा, क्योंकि वो देख लेते हैं कि कौन सा बिहेवियर आपने लगाया, तो ये आपका लग जाएगा ऑटोमेटिकली बिहेवियर में भी, ठीक है। तो अब आपको मल्टीप्लेयर ऑफ़ करना हो मल्टीप्लेयर ऑफ़ कर देना, बाकी सेटिंग्स आप खुद से कर सकते हो, मैं कोई और सेटिंग करूँगा नहीं क्योंकि बाकी कोई सेटिंग इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो अभी आपको करना है आपको वर्ल्ड होस्ट करना है एंड मैं आपको बताता हूँ अंदर कौन कौन से क्रिएचर्स आपको मिलने वाले हैं। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वर्ल्ड लोड हो गया एंड यहाँ पर आप म्यूटेंट्स को देख सकते हो रैंडमली स्पॉन हो रहे हैं, लाइक यहाँ पे म्यूटेंट क्रीपर स्पॉन हो चुका है एंड ओके यहाँ पर हमारे पास म्यूटेंट ड्राउंड भी है यहाँ पर, इसके पास वो देख सकते हो म्यूटेंट ड्राउंड, इसका नेम टैग भी आ गया। ओके, एंड मैं कुछ और चीज़ें भी दिखा देता हूँ, लाइक अगर मैं अपनी इन्वेंटरी खोलूँ यहाँ पे जाऊँ उधर एंड एग्स पे नीचे कुछ स्पेशल एग आए गए होंगे, यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास, देख सकते हो हर एक म्यूटेंट जो भी इनके पास म्यूटेंट इन्होंने बनाए हैं। ओके, सभी के एग्स हैं यहाँ पे। ओके, सो ये है हमारा वो क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेयर। ओके, तो ये भी एक स्केल्टन का फॉर्म होता है। ओके, दूसरा वाला एंड ये हमारा म्यूटेंट जॉम्बी है, यहाँ पे म्यूटेंट स्केल्टन एंड ये है म्यूटेंट पिगमैन, भाई साहब ओ भाई काफ़ी आवाज़ करते हैं ये लोग वैसे, एंड ये म्यूटेंट हस्क एंड ये है म्यूटेंट ड्राउन जो आपने पहले ही देख लिया है, इसके पास कुछ ज़्यादा बड़ी ट्राइडेंट होती है यार। ओके, ये है हमारा म्यूटेंट क्रीपर जो कुछ ज़्यादा ही अजीब दिखता है। ओके, एंड फिर आता है हमारा वुल्फ, यहाँ पे म्यूटेंट वुल्फ भी होते हैं जिसको आप टेम कर सकती हो, इसने चिकन को मार के खा लिया, ओहो सो एग्रो, देखते हैं पिक को मारता है कि नहीं मारता, नहीं पिक को नहीं मारता है, सिर्फ चिकन को मारता है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास है विदर स्केल्टन, वो है कि कितना ज़्यादा ओपी दिखता है गाइस जिसके पास, ओ लो ये कुत्ता इसको मारने लग गया। ओके, लेट्स सी कि ये लोग इसे मार पाते हैं कि नहीं मार पाते। ओके
गाइस कुत्तों ने तो इसको मार दिया एंड इसने ड्रॉप क्या किया एंड में वो देखते हैं। यहाँ पे कोल ड्रॉप किया इसने एंड कुछ और हड्डियाँ ड्रॉप की हैं। ओके एंड ये है हमारा म्यूटेंट क्रीपर। ओके नाइस वन। ओके यहाँ पे अगर मैं म्यूटेंट स्केल्टन को स्पॉन कर दूँ इनके बीच में जाके एंड लेट्स सी कि ये लोग इसे मारते हैं कि नहीं मारते। ओके गाइस ये लोग इसे भी मार रहे हैं तो लेट्स सी कि इनके फाइट में क्या होता है। ओके ओके गाइस तो इन्होंने इसको भी मार दिया है। तो आप भी जो है इस वर्ल्ड में खेल सकते हो अगर आपको अपने वर्ल्ड में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज चाहिए एंड आप चाहते हो कि यहाँ पे और डेंजरस मॉब आए तो आप ये वाला मोड डाउनलोड करके खेल सकते हैं एंड ट्राई कर सकते हैं कि आप इस मोड से कितने ही मार सकते हो, कितने ही म्यूटेंट लोगों को मार सकते हो। एंड लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है क्योंकि हर एक म्यूटेंट के पास अपनी 3 लाइफ लाइन्स होती हैं। पहली लाइफ लाइन पे वो हरे हरे ब्लू होते हैं पहली लाइफ लाइन पे, दूसरी लाइफ लाइन पे अगर आप उनका गेम अटैक जाके देखोगे तो वो लाल नहीं ग्रीन टाइप के होते हैं। लास्ट में जो सबसे घातक वाला होता है वो होता है रेड कलर का। ओके उनकी आंखें रेड हो जाती हैं एंड उनका नेम टैग भी रेड हो जाता है। ओके और आप इसे सर्वाइवल में खेल सकते हो जैसे कि आपने देखा ये रैंडम स्पॉन होते हैं तो बस आप सर्वाइवल में जाओ एंड इनके बीच में सर्वाइव करो जिससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा, फन सी गेम बन जाएगी। ओके एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मी एंड प्लीज़ जाके डाउनलोड करो एंड मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा पीस आउट।